नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आगे एक और वीडियो लेकर आप सबके सामने। दोस्तों आज हम बात करने हैं ONGC ऑफशोर पे। ऑफशोर पे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, ये एक और वीडियो में आया हूँ लेकर, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपके बहुत सारे क्वेरीज थे, उन सबका आंसर मैं कर सकूँ इस वीडियो के अंदर। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने कमेंट किए हैं, मैंने उनको पिक किया वन बाय वन करके, तो उन सबको आंसर करूँगा मैं। होप कि आपके सारे जो कन्फ्यूजन्स है, जो क्लैरिटी चाहिए आपको ऑफशोर को लेकर, वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन पिक करता हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मगर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाऊंगा, जिस क्वेश्चन से आप कुछ आपको नॉलेज मिल सके। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ट्रू इंडियन ने कि सर कैन वी स्विच टू IOCL फ्रॉम ONGC विदाउट राइटिंग गेट एग्जामिनेशन वंस अगेन। तो भाई अगर आप IOCL में काम कर चुके हो तो ONGC में जा सकते हो, क्योंकि दोनों सेम सेक्टर की कंपनी है, बट कंडीशन ये है कि आपके पास एक कंपनी का कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप उस कंपनी में किसी बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें बिना गेट एग्जामिनेशन दिए। तो हाँ ये पॉसिबल है, बट कंडीशन ये है कि आपके पास उस सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि अगर आपको ONGC में जाना है या ONGC वालों को IOCL में जाना है, तो दोनों कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए ये चीज़ है कि आपको अपने कंपनी का कम से कम 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जितना रिक्वायरमेंट हो उस पोस्ट के लिए, आपको उतना एक्सपीरियंस चाहिए हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कैन वी वॉच ऑनलाइन क्लासेस ऑन अनअकैडमी प्लस। नहीं, वहाँ पे एक्सेस नहीं है इसका। दूसरा, कैन वी वॉच नेटफ्लिक्स प्राइम एट ऑफशोर। बिल्कुल नहीं, एक्सेस नहीं है उसका वहाँ पे। पहले बता चुका मैं आपको इन चीज़ों के बारे में, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस पे मैं, बट एक्सेस नहीं है आपके पास वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पूछा है इन्होंने कि हाउ कैन वी रीच होम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर वहाँ पे कैसा है, आपका मैनेजमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है आपको, कि आपने बताया कि मेरे घर में कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है और हमें जाना पड़ेगा, तो क्योंकि आप ऑफशोर पे हो तो वहाँ से इजीली निकलना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि 14 डेज के बीच में आप निकल जाओ इतनी आसानी से। आपको बहुत अप्रूवल लेना पड़ेगा अलग अलग मैनेजमेंट से वहाँ पे, ताकि वो आपके लिए अरेंजमेंट कर सकें, भी स्पेशल करना पड़ेगा अरेंजमेंट आपके लिए, ताकि आपके लिए वहाँ चॉपर आएगा, चॉपर से आपको कैरी करके फिर आपको ऑफशोर से बाहर निकाले। तो उसके लिए बहुत अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे आपको अपने मैनेजर से और मैनेजमेंट से, तो ये स्पेशल केसेस में हो सकता है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है कि 14 डेज के बीच में आप लौट के घर आ सकते हो, 14 डेज के बाद ही आ सकते हो आप। तो जिनके घर में ऐसा सिचुएशन है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, या कोई फैमिली मेम्बर है जो बीमार रहते हैं, फैमिली इशूज़ हो सकते हैं आपके घर में, तो उनको ऑफशोर जाना ही नहीं चाहिए। मेरी सजेशन हमेशा यही रहेगी आपके लिए कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को कोई दिक्कत है, बीमारी है, कुछ है, तो आपको ऑफशोर ड्यूटी लेना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूछ रहे हैं ओनली मेन आर पोस्टेड ऑन ऑफशोर। इनका पूछने का मतलब है कि फीमेल्स भी होती हैं ऑफशोर पे। जी बिल्कुल होती हैं, अलग अलग पोजीशन से, अलग अलग डेजिग्नेशन से, सब पे अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, बट हाँ उतने नंबर्स में फीमेल्स वहाँ पे नहीं होती जनरली, क्योंकि वो काम बहुत टफ है वहाँ पे, हार्ड काम होता है वहाँ पे, क्योंकि कोर सेक्टर की कंपनी है, मैकेनिकल केमिकल इंजीनियर्स के ज़्यादा रोल है वहाँ पे, तो ऐसी कंपनी में फीमेल्स वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। हाँ लेकिन होती हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं वहाँ पे, ठीक है। और भाई हमारे जो क्वेश्चन पूछते हैं, इनका नाम है सुधांशु सिंह, ये पूछते हैं सर प्लीज़ टेल मी अबाउट द सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग स्टॉर्म, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑफन इन सी एंड इज देर एनी फियर ऑफ डेथ। तो भाई डेथ का फियर तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे है, क्योंकि नहीं होता डेथ, बहुत रेयरली देखा गया कि कभी को किसी को कुछ चोट लगी हो, कुछ हुआ हो, नहीं होता ऐसा कुछ सीन वहाँ पे। बट हाँ जब इस तरह के जब स्टॉर्म आते हैं या लहरों की तेजी बढ़ती है वहाँ पे समुद्र में ना, तो थोड़े से हम अलर्ट हो जाते हैं, थोड़े सा प्रिकॉशन सेफ्टी बढ़ा लेते हैं अपनी हम लोग, बट वैसा मेजर कुछ होता हुआ देखा नहीं गया है। हाँ कभी कभी, मतलब अब 100 साल से कंपनी चल रही है तो एक आध बार कभी कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, बट ऐसे फ्रिक्वेंटली कुछ नहीं होता वहाँ पे वैसा, क्योंकि इतने साल से काम कर रही कंपनी उसी फील्ड में काम कर रही है, तो उसको पता है क्या प्रिकॉशन, क्या सेफ्टी लेनी है इन चीज़ों को, इन चीज़ों से सेफ रहने के लिए, तो सारी चीज़ें की जाती हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स वहाँ पे हैं, प्रिकॉशन आपको बताए जाते हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस बताई जाती हैं आपको, तो वैसे आपको जान का खतरा नहीं होता, ठीक है। एक और भाई हमारे वो पूछते हैं, उनका नाम है म्यूजिक लवर्स आर हेयर, उनके यूट्यूब अकाउंट का नाम है, वो पूछते हैं कि केमिस्ट लोगों को ऑफशोर में ज़्यादा रहना पड़ता है या ऑनशोर में। तो भाई केमिस्ट को दोनों जगह रहना पड़ता है, ऑनशोर में भी ऑफशोर में भी, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ONGC के अंदर,
उनका मेन पर्पस, उनका काम ये होता है कि वो मिट्टियों का एनालिसिस करते हैं, निरीक्षण करते हैं मिट्टियों का, जहाँ पे वो ड्रेसेस कलेक्ट करते हैं और उसका एनालाइज करके पता करते हैं कि यहाँ पे क्या हमें हाइड्रोकार्बन का या ऑयल का ट्रेस मिल सकता है क्या। तो वहीं पे ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग वहीं की जाएगी जहाँ पे केमिस्ट बता देगा कि हाँ यहाँ पे ट्रेसेस मिलने के चांसेस हैं, वहीं पे ड्रिलिंग की जाएगी। तो केमिस्ट हर जगह होते हैं और जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, तो उनका ऑनशोर में भी काम पड़ता है, उनका ऑफशोर में भी काम पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है माधुरी वानखड़े जी ने, वो पूछती हैं कि क्या, उन्होंने पूछा कि आई वॉन्ट टू नो दैट इवन यू कैन डू बिजनेस वाइल हैविंग योर गवर्नमेंट जॉब, इफ यस देन व्हाट आर दे। इनका पूछने का मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब होते हुए क्या आप कोई प्राइवेट जॉब साथ में कर सकते हो, और कर सकते हो तो वो कौन कौन से काम है जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों, इंडिया में लीगली एक गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हाथ में रहते हुए आप कोई और प्राइवेट जॉब साथ में नहीं कर सकते, ये इलीगल है हमारे कंट्री में। भारत में ये अलाउड नहीं है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय किसी प्राइवेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो अपना गवर्नमेंट जॉब करते हुए। ठीक है, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आपकी, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी में काम कर रहे हो, तो करने के साथ साथ आप किसी कॉलेज में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, किसी प्राइवेट कॉलेज में आप फ्री टाइम लेक्चर दे सकते हो। वहाँ पे नॉट ऑन द सैलरी बेसिस, आप वहाँ पे जाके ऐसे फ्रीलांसिंग की तरह आप जाके वहाँ पे लेक्चर दे सकते हो। वहाँ पे आप अपनी बुक लिख सकते हो, आप यूट्यूब पे अपना खुद का चैनल खोल सकते हो, वहाँ पे लोगों को पढ़ा सकते हो, समझा सकते हो। ये चीज़ें अलाउड हैं, बट पर्टिकुलरली किसी इंडस्ट्री से जुड़ जाना, किसी कंपनी से जुड़ जाना अपने गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, वो इलीगल है, वो आप कोशिश मत करना। क्योंकि बहुत लोग छुपा छुपा कर रहे हैं चीज़ें, तो जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन उनकी नौकरी चली जाती है। एक्चुअल में नहीं पकड़े जाते, हमारे देश ऐसा है कि नहीं पकड़े जाते लोग, तो वो करते रहते हैं तब तक। ठीक है, बट इट इज इलीगल, वो है इलीगल, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हमारे दोस्त हैं राहुल चक्रवर्ती, ये पूछते हैं कि सर ONGC का अगला 20 साल का प्रोबेबिलिटी क्या है प्राइवेटाइजेशन हो जाने का। तो सर 20 साल का तो मुझे नहीं पता भाई, बट फिलहाल अभी नहीं होने वाला प्राइवेटाइजेशन ONGC का। एटलीस्ट ONGC इतनी स्ट्रांग कंपनी है कि उसका प्राइवेटाइजेशन अभी पॉसिबल नहीं है। 20 साल बाद का तो कोई कन्फर्म नहीं कर सकता कि क्या सिचुएशन होगा, कैसा हमारा उसमें इंडिया चल रहा होगा। उसमें डिपेंड करता है कंट्री की हालत क्या रहेगी, उस समय कंट्री कितना आगे बढ़ेगा, या हो सकता है यहीं स्टेगनेंट हो जाए या नीचे रह जाए, डिपेंड करता है। 20 साल बाद किसी को नहीं पता क्या होना है, तो 20 साल के बाद का तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी का मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके होने के आसार नहीं है ONGC के। ठीक है, हमारे एक दोस्त थे करण सोनावने, ये पूछते हैं कि सर ONGC अप्रेंटिसशिप के बाद क्या जॉब देती है या नहीं। तो यार, किसी भी कंपनी से अप्रेंटिसशिप करोगे, अप्रेंटिसशिप एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 1 साल या 2 साल या 3 साल जितना भी होगा लिमिटेड टाइम के लिए होगा। उस लिमिटेड टाइम के बाद अब वो आपको जाने के लिए बोल देंगे, क्योंकि एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है वो, अप्रेंटिसशिप कभी परमानेंट नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, डिपेंड करता है कि आपने कैसा काम किया है अपने टेन्योर में। वहाँ पर आपने अपने अप्रेंटिसशिप के समय कितना अच्छा काम किया है, आपके मैनेजर से कैसा कैसा आपका बॉन्ड रहा है, वो डिपेंड करता है पूरा। लेकिन 90% केसेस में आपको परमानेंट नहीं किया जाता। हाँ, एक दो केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रख लिया गया, एम्प्लॉय को वहाँ रख लिया गया, परमानेंट कर दिया गया। वो इस वजह से क्योंकि जो डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट का मैनेजर को आप अच्छे लगे, आपका काम अच्छा लगा, उसने आगे मैनेजमेंट से बात की और आपको परमानेंट करवाया। तो ये बहुत रेयर केसेज में होता है। अगर 10,000 लोग अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 2-3 लोग के साथ हुआ होगा, सबके साथ नहीं होता। तो आपके जवाब में मैं कह सकता हूँ कि हाँ, परमानेंट नहीं किया जाता आपको, वो बहुत रेयर केसेस है जहाँ पे परमानेंट किया जाता है आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है A1 ट्रेंड्स ने पूछा है कि सर ऑफशोर जाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। भाई, एलिजिबिलिटी ऐसा कुछ खास नहीं है। आप अगर इंजीनियर हो, आप गेट निकालो, गेट निकाल के एज ए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप ज्वाइन करोगे ONGC को। उसके बाद वो आपकी मेडिकल को चेक करेगी, आपकी मेडिकल फिटनेस चेक करेंगी वो। अगर आपका मेडिकल फिटनेस बिल्कुल सही रहा तो आप ऑफशोर जा सकते हो। ऑफशोर जाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आप ONGC ज्वाइन करते हो तो आपको मौका मिलेगा ऑफशोर जाने का। ठीक है, तो दोस्तों हमारे एक भाई पूछते हैं, पीयूष कुमार नाम है इनका, ये पूछते हैं सिविल इंजीनियर का क्या काम है ऑफशोर में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे चैनल पे अभी तक का। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इससे ये पता चलता है कि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियर्स ही हैं। ठीक है, तो क्योंकि जिन्होंने पूछा, जो क्वेश्चन का जवाब पे आता हूँ मैं। दोस्तों सिविल इंजीनियर का काम जो है ONGC में इतना ज़्यादा वास्ट नहीं है। वजह क्या है ना,
क्योंकि जो मेजोरिटी वर्क है ना डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का, इसके लिए ONGC जो है बाहर वेंडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, अपने खुद के सिविल इंजीनियर से ये काम नहीं करवाती वो ज़्यादातर काम जो बाहर के वेंडर से करवा लेती हैं, बाहर के आउटसोर्स कर देती हैं उस काम को। तो हमारे जो खुद के सिविल इंजीनियर हैं ONGC के, वो उनको उतना करने को नहीं मिलता कोर में, ठीक है, बट टेंडरिंग एस्टिमेशन ये काम उनको करने को मिलता है। दूसरा मेन काम होता क्या है ONGC के अंदर, पहला एक होता है कि ऑफशोर इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट एक होता है जहाँ पे सिविल इंजीनियर की पोस्टिंग होती है, वहाँ पे आपको जानने को मिलता है कि ड्रिलिंग साइट की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ऑफशोर के जो वेल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ड्रिलिंग करनी है वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म लगता है सब कुछ, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका फाउंडेशन कौन लगाता है, उसका फाउंडेशन लगाता है एक सिविल इंजीनियर। सबसे मेन काम उनका ही आता है, पहले केमिस्ट निरीक्षण करता है सब कुछ, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग फाउंडेशन कौन लगाएगा, सिविल इंजीनियर ही कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल काम जितने भी होते हैं वो सिविल इंजीनियर्स को ही आते हैं, वही कर सकता है, तो वही करते हैं वहाँ पे। तो इनका काम वहाँ पे बहुत बेस्ट है। एक सिविल इंजीनियर की सबसे बेस्ट पोस्टिंग अगर मानी जाए ना ONGC के अंदर, तो वो होता है ऑफशोर इंजीनियरिंग सर्विसेज में। वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियर के लिए, लर्निंग के लिए भी, और एक अगर आप हार्डकोर सिविल इंजीनियर हो तो आपके सीखने के लिए बहुत अच्छा जगह है वहाँ पे, और आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ कर रहा हूँ। दूसरा डिपार्टमेंट होता है एक कॉलोनी मेंटेनेंस का। कॉलोनी मेंटेनेंस सबसे खराब मैं कह सकता हूँ एक सिविल इंजीनियर की पोस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो ONGC का टाउनशिप है उसका मेंटेनेंस देखना पड़ता है, समझ रहे हो ना, टाउनशिप बना है वहाँ पे, उसका मेंटेनेंस देखना पड़ता है आपको। तो कई बार बहुत ही फालतू क्वेरीज आपको पूछी जाती हैं, बहुत फालतू काम के लिए बुलाया जाता है आपको कि सर नल का पानी लीक हो रहा है, नल का टैप नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये लीकेज है, वहाँ पे ये चल रहा है, तो आपको वो प्लम्बर वाले काम के लिए भी बुलाने लगते हैं कई बार। तो यार आप सिविल इंजीनियर हो, प्लम्बर थोड़ी हो कि आपको वो सब काम करना पड़े। तो कई बार वहाँ पे लोगों को फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा होता है, अगर कॉलोनी मेंटेनेंस में जाते हो, ONGC टाउनशिप मेंटेनेंस में जाते हो डिपार्टमेंट में आप, तो कई बार आपको सेटिस्फेक्शन उतना फील नहीं होता जितना आपको फील होगा ऑफशोर इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जहाँ पे काम आपको बहुत अच्छा करने को मिलता है, सीखने की बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपको, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल चीज़ें सीखते हो वहाँ पे, कैसे फाउंडेशन लगता है, कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं वहाँ पे, ये सारा कुछ आप खुद से करके सीखोगे, खुद से जानने को मिलेगा। अगर आपको करने को मिले तो अगर ONGC उसको किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दे, किसी प्राइवेट कंपनी को, किसी एजेंसी को दे दे, तो फिर आपको करने को नहीं मिलता, जो कि ज़्यादातर ONGC में यही हो रहा है कि जितने भी कोर एक्टिविटीज़ हैं ना सिविल इंजीनियरिंग की, वो सारे आउटसोर्स किए जाते हैं, वो आपको करने को नहीं मिलता, आपके ऊपर सिर्फ टेंडरिंग एस्टिमेशन इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है कि आप ये देखो। तो ओवरऑल यही है। तो एक हमारे भाई रफीक अंसारी ये पूछते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑफशोर में जॉब कैसे पाएं। तो भाई इजी है, सिंपल है, आपको ऑफशोर जाने से पहले, ऑफशोर में काम ढूंढने से पहले, आपको ऑफशोर की जो ट्रेनिंग होती है ना, सर्वाइवल एट सी और हेलीकॉप्टर अंडर वाटर स्केप ट्रेनिंग, और कुछ एक दो बेसिक ट्रेनिंग और है जो आपको करनी पड़ती है वहाँ पे जाने से पहले, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करें पहले किसी आप एकेडमी से, ट्रेनिंग एकेडमी गोवा में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र मुंबई में है, तो वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग पूरी कीजिए, पहले सर्टिफिकेशन लीजिए ट्रेनिंग का कि आपने ऑफशोर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। वो करने के बाद कुछ कंपनीज़ हैं मुंबई में, गुजरात में भी हैं कुछ कंपनीज जो आपको जॉब सप्लाई जॉब देती हैं आपको इन फील्ड में, क्योंकि वो मैन पावर सप्लाई करती हैं ऑफशोर कंपनीज़ को। तो अगर आप उनसे जाके मिलोगे, उनको बताओगे कि सर्टिफिकेशन आपके पास है, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे आप, तो वो आपको ऑफशोर की किसी कंपनी में पोस्टिंग दे देंगी आपको। सैलरीज डिपेंड करता है कैसे सैलरीज देंगे, मुझे आइडिया नहीं सैलरी का, उनका क्या सैलरी देंगे आपको, बट आपको काम मिल जाएगा इस कंपनी में, ऑफशोर की कंपनीज में आपको काम मिल जाएगा, आपको ऑफशोर में काम करने का मौका मिल जाएगा।